Hello and welcome students. I am going to teach you class 10 computer subject. इसका chapter 1 है number system. इस chapter को मैंने पहले ही discuss कर दिया है. अब इसके जो exercise है वो कराना बाकी रह गया है, तो मैं आज exercise को explain करूँगा और इसका answer क्या होगा वो मैं बताऊँगा और क्यों होगा. तो सबसे पहले हम लोग का जो पहला exercise का पहला part है A, वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि पहला है द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड एज. किसी भी नंबर सिस्टम में जो नंबर होता है उसमें जो राइट मोस्ट डिजिट होता है, यानी कि राइट साइड की तरफ जो डिजिट होता है उसे क्या कहते हैं. तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ले लेते हैं, तो जैसे 53 है तो ये सबसे जो राइट में है इसकी वैल्यू होगी 3 और इसकी वैल्यू होगी 50. तो हम लोग देख रहे हैं कि जो राइट मोस्ट है उसकी वैल्यू सबसे कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि LSD. तो हमारा द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड एज LSD, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस. बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आप लोग काफी कुछ समझ चुके हैं होंगे. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उनका बेस क्या होता है, आप लोग पहले से जानते हैं कि बेस इसमें होता है 2. उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेज ब्लैंक स्पेस डिजिट्स. ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स या ये कहें कितने डिजिट्स प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग 8 डिजिट्स का प्रयोग कर सकते हैं. उसके बाद फोर्थ आ जाते हैं ब्लैंक स्पेस लुक लाइक डेसिमल वैल्यूज. मतलब इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो कि डेसिमल वैल्यूज की तरह दिखाई देता है. तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो डेसिमल वैल्यू की तरह दिखाई देता है. अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे एक बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 इज इक्वल टू. कह रहा है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में जो कि आप लोग पहले जान चुके हैं उसमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा. तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में 1 × 0 0 होता है, 0 × 1 0 होता है, 0 × 0 0 होता है, केवल 1 × 1 एक ऐसा है जिसमें कि 1 होता है जिसकी वैल्यू. तो 1 × 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. अब आ जाते हैं बी सेक्शन पे, तो राइट ट्रू और फॉल्स. तो सबसे पहला है इसमें देखिए यू कैन यूज 9 डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम. यू कैन यूज 9 डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम. ये फॉल्स है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कितने डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, 10 डिजिट्स का, 0 to 9. तो ये क्या है, फाल्स है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं फाल्स. उसके बाद सेकंड है द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड. किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रिजल्ट प्राप्त करने का मेथड होता है उसे हम लोग एक्सपेंशन मेथड कहते हैं. ये सही बात है तो ये ट्रू है. उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, तो यू कैन नॉट यूज 8 and 9 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. कह रहा है कि हम 8 और 9 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज नहीं कर सकते. सही बात है, हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम 0 to 7, यानी कि 7 के बाद के जो डिजिट्स हैं उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं ऑक्टल सिस्टम में. तो ये फाल्स होना चाहिए, सॉरी कैन नॉट दिया है, तो कैन नॉट मतलब सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा.
उसके बाद फोर्थ नंबर है द मल्टीप्लीकेशन, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू वन, यानी कि वन को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वन होता है। ये स्टेटमेंट हमारा फाल्स है, क्योंकि वन का जीरो से मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो जीरो होता है, इसलिए इसको हम लोग फाल्स कह सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर है बोरो मस्ट बी टेकन व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, मतलब बोरो लेना जरूरी है यदि जीरो में से वन को घटाना है। सही बात है, जीरो में से वन तो घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए बोरो लेना जरूरी है, तो ये ट्रू है। अब ये हो गया, इसके बाद मैं आगे और बता रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी, इसमें क्या है जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि पांच क्वेश्चन है, जो सुटेबल हो, जो सुटेबल वर्ड है इन ब्लैंक्स स्पेस में फिल अप करना है। तो पहला है इसमें द लेफ्ट मोस्ट डिजिट हैज द हाईएस्ट वेट सो इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हाईएस्ट वेट रखता है। मतलब ये कि जितना आप लोग लेफ्ट की साइड जाए, जैसे 53 है, इसमें जो लेफ्ट मोस्ट है यानी कि लेफ्ट की तरफ है, इसका वेट कितना होगा 50 होगा और इसका 3। इधर ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे 5 दें तो इसका वेट कितना होगा 500 होगा। तो हम लोग जितना लेफ्ट जाते जाएंगे उसका वेट उस डिजिट का बढ़ता जाएगा, ये कह रहा है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होता है उसका वेट सबसे ज्यादा होता है और उसको हम लोग कहते हैं MSD, MSD कहते हैं इसको MSD। MSD का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो MSD का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सबसे ज्यादा वेट वाली डिजिट। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, स्पेस इज द मोस्ट सुटेबल नंबर सिस्टम फॉर द मशीन्स दैट यूज स्विचिंग प्रोसेस, मतलब उन मशीनों के लिए सबसे सुटेबल नंबर सिस्टम होता है जो स्विचिंग प्रोसेस प्रयोग करती हैं, तो उनके लिए एक ही नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, वो है बाइनरी। बाइनरी इज द मोस्ट सुटेबल नंबर सिस्टम फॉर द मशीन्स दैट यूज स्विचिंग प्रोसेस। उसके बाद है थर्ड नंबर ऑक्टल, मींस ऑक्टल का मतलब क्या होता है, ऑक्टल का मतलब होता है आठ। ये लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है ऑक्टल, जिसमें ऑक्टल का मतलब होता है आठ। अब कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज द बेस, हेक्साडेसिमल वैसे ही देखिए ये भी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब 6 और डेसी का मतलब 10 यानी कि 16। इसमें बेस कितने होंगे, 16 होगा, इसका बेस 16 होगा, नाम से समझ में आ रहा है ऑक्टल है तो 8 होगा, डेसिमल है तो 10 होगा, बाइनरी है तो 2 होगा। उसके बाद है द नंबर इन विच अनदर नंबर इज एडेड इज कॉल्ड एज, कह रहा है कि एक नंबर जिसमें दूसरी नंबर जोड़ी जाती है, ऐड की जाती है, उसको क्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि 563 है, इसमें हमें कोई दूसरा 355 जोड़ना है, तो ये जो पहली संख्या है जिसमें कि कोई नंबर जोड़ा जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑजेंड, और जो नंबर जोड़ी जा रही है उसको कहते हैं एडेंड। तो कह रहा है कि द नंबर इन विच अनदर नंबर इज एडेड, यानी कि वो संख्या जिसमें कोई दूसरी संख्या जोड़ी जा रही है, मतलब ये तो इसको क्या कहते हैं हम लोग ऑजेंड। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद जो बचते हैं वो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
इसको मैं इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि आपको पीडीएफ के रूप में वो मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि अगली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस जरूर इस एक्सरसाइज को जरूर अपने नोटबुक में उतार लेंगे। और एक जरूरी बात, आपकी जो कंप्यूटर की बुक है आपको पता ही है कि बदल गई है और नई बुक आपके जनरल बुक स्टॉल पे उपलब्ध है और वहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आप लोग वहाँ से अपनी बुक खरीद लीजिए, ताकि आप लोग की पढ़ाई जो है, आप लोग की स्टडी जो है बिना किसी बाधा के चलती रहे और आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि ऐसे हमारे लेक्चर देने से थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन आपके जब बुक आपके पास रहेगा तो आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे प्लस हमारे द्वारा वीडियो भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।